कुछ तरह की वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर वेरीफाइड रिव्यूज़ होते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आप अमेजोन से कोई शॉपिंग करते हैं तो अमेजोन बाकायदे से वेरीफाई करता है कि ये वेरीफाइड बंदे हैं, बाकी वो हैं जिन्होंने शॉपिंग की है. अब ऑब्वियसली कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट को बार बार तो नहीं खरीदेगा, 100 बार तो नहीं खरीदेगा, इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके पास नहीं होता. तो इस तरह की न्यूट्रल वेबसाइट्स हैं, लेकिन बहरहाल वो इनिशियली जो है वो फ्रॉड कर जाती हैं जब वो नई नई आती हैं. तो ये देखना चाहिए कि कोई भी वेबसाइट जो कि विद इन द सेम ईयर क्रिएट की गई हो उससे शॉपिंग ना की जाए, पहली बात तो ये होगी. इससे अहम बात यह है कि लाइबिलिटी कहाँ लाई करती है अगर फ्रॉड हो जाता है. क्या लाइबिलिटी कंज्यूमर एंड पर लाई करती है या लाइबिलिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर एंड के ऊपर लाई करती है? क्या अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो जाती है तो क्या बैंक लाइबल है आपको पे करने के लिए? अगर लाइबल है पे करने के लिए तो कर लें, क्योंकि जिस तरह यूएई में फॉर इंस्टेंस मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर ट्रांजेक्शन करता हूं तो बैंक की पॉलिसी है कि अगर कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो मुझे रिफंड कर देगी, तो मैं बेझिझक होकर इस्तेमाल कर लेता हूं.